विघ्न हर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। क्षमा कर दीजिए। उबैद देव क्षमा मुझसे नहीं, महादेव और माता पार्वती से मांगी। केवल वो ही गजानंद को शांत कर सकते। शीघ्र जाइए और उनसे सहायता की गुहार लगाइए। किंतु कैसे देवराज? गजानंद की सुन मेरे पीछे पड़ी है। उबैद देव, आप शीघ्र कैलाश पहुंचे। मैं और अन्य देवता मिलकर गजानंद को रोकने का प्रयास करते। आप शीघ्र जाइए। देव जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी अवस्था किसने थी? और मेरा पुत्र गजानन, वो कहाँ है? माता, गजानन, माता, वो तो सब कुछ खा गए। मुझे भी खाना चाहते थे वो। ये आप क्या कह रहे हैं कुबेर देव जी? मेरा पुत्र गजानन अभी तक भूखा है। तो आप तो कह रहे थे कि आपके पास पर्याप्त से अधिक भोजन। मुझे और भोजन चाहिए। बैठा था कि संसार में सबसे धनी सबसे संपन्न मैं, किंतु आज मेरा मान भंग हुआ। एक बालक की भूख भी नहीं मिटा पाया मैं। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती, किंतु गजानन को शांत कर दीजिए। मुझे बताइए, मैं उनकी भूख कैसे शांत करूं? उनकी भूख में कैसे शांत करूं? गजानन, कृपा कर शांत हो जाए। किंतु मैं अभी भूखा हूं, मुझे और भोजन चाहिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए गजानन, और शांत हो जाइए। कुबेरदेव, शीघ्र लौटिए और किसी ऐसे उपाय के साथ जिससे गजानन की भूख शांत हो जाए, अन्यथा हमें से कोई भी सुरक्षित नहीं बचे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। माता पार्वती, धन के अहंकार ने मेरी बुद्धि को वश में कर दिया था। अहंकार से विचार और विचार से व्यवहार अनुचित हो जाता है, ये मैं अब समझ गया हूं। माता पार्वती, गजानन की भूख को शांत करने का उपाय बताकर मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। माता मुस्कुरा क्यों रही है?
गजानन गजानन दया कीजिए हम पर, शांत हो जाइए। मेरी भूख शांत करने के लिए और कुछ है आपके पास? है मेरे पास वो। मेरे पास वो है जिससे आपकी भूख अवश्य शांत होगी। मात्र एक बेल पत्र से गजानन की भूख मिटाने चले हैं कुबेर देव, कैसी मूर्खता ही। गजानन, ये आपकी माता ने आपकी भूख को शांत करने के लिए भेजा है। मात्र एक बेल पत्र माता? हाँ, इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, अहंकार के अंधकार ने मेरी दृष्टि से विनय का प्रकाश हर लिया था। धन का इतना अहंकार हो गया था मुझे
कि जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उन्हीं महादेव के समक्ष मैंने अभिमान पूर्वक व्यवहार किया। मेरे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरे नेत्र पुनः खुल गए प्रभु। हाँ कुबेर, कुबेर, महादेव ने आपको संपूर्ण सृष्टि के धन का रक्षक नियुक्त किया था, किंतु आप तो स्वयं को उसका स्वामी मान बैठे। धन का मद व्यक्ति का विवेक हर लेता है। वो भूल जाता है कि जो भी उसने प्राप्त किया है वो उसकी योग्यता तथा ईश्वर की कृपा है। और ये भी सत्य है, जो आज उसका है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि एक दिन इस नश्वर शरीर का अंत अवश्य होगा। ईश्वर के दिए धन से दुखियारों की सहायता और दान कर्म करने के स्थान पर जो उसका अहंकार करते हैं उनके साथ वही होता है जो आपके साथ हुआ। रक्षक को स्वामी बनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे सब कुछ लौटाकर एक अवसर लेने की कृपा की है। इस बार इस धन का मैं मात्र रक्षक बनकर रहूंगा। आपकी अलकापुरी में तो मुझे बहुत आनंद आया कुबेर देव। इस भोज के लिए आपका धन्यवाद। कुबेर देव जी, अब तो मेरा भोजन हो गया, इसलिए मुझे कैलाश लौटना चाहिए। कैलाश तो यहाँ से इतनी दूर है, तो क्या मुझे इतनी दूर चलकर जाना होगा? अभी तक मेरे पास वाहन ही कहाँ है। पता नहीं कैसा होगा मेरा वाहन। गजानंद, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे वाहन रावत को ले जाइए। रावत, चलिए रावत जी, मुझे कैलाश लेकर चलिए। अरे अरे, सावधान रावत जी, मुझे गिरा मत दीजिएगा। अरे अरे अरे, गजानन, लगता है ए रावत जी मुझे नहीं लेके जा पाएंगे। क्षमा कीजिए गजानन, आश्चर्य है, इसके पूर्व कभी भी रावत कोई भी भार उठाने में अक्षम नहीं हुआ।
रावत उठ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? रावत जी गजानन को ले जाने में असमर्थ तो उन्हें मेरा वाहन ले जाएगा। मेरा वाहन भी गजानन की सेवा में प्रस्तुत है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, किंतु मुझे प्रतीत होता है आपके वाहन नहीं उठा सकेंगे मुझे। मेरा भार तो मेरा वाहन ही संभाल पाएगा, किंतु वो मुझे कब मिलेगा ये नहीं पता। विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। शीघ्र ही मुझे असुरी कन्या सुविनी को ढूंढना है। अभी तो बहुत चलना है, इतनी दूर है कैलाश, रुककर विश्राम भी नहीं कर सकता, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। संकट की गंध आ रही। सर्प, सर्प की गंध आ रही है। ये फुफकार तो सुनाई दी मुझे, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। यहां किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस वन को पार करते ही कैलाश पहुंच जाऊंगा मैं। उसी का सुर हूं मैं, वन के उस पार जाना है, जाने दो। मूर्ख जान पड़ते हो तुम, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, क्योंकि
सूंघ लेता हूं मैं। इसे कैसे ज्ञात हुआ मेरी वास्तविकता? ये किसकी चित्कार थी? और ये इतना धूम्र क्यों उत्पन्न हो रहा है? वन से अग्नि है क्या? वन की अग्नि तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। मुझे वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए, अन्यथा सभी जीव जंतु संकट में पड़ जाएंगे। प्रतीत होता है तुम्हारा अंत करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। चुका हूं मैं इस नाक पर। शीघ्र अति शीघ्र सुबेनी को ढूंढना है मुझे। उसका तप संपन्न हो और इस देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के पूर्व उस तक पहुंचना है मुझे। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जहां से भी आए हो जीवित नहीं जा सकोगे। मैंने कहा था ना, चूहों की गंध आ जाती है मुझे, और चूहे अर्थात मेरा भोजन ही निकले तुम। उसी का सुर को निगलने चला था, किंतु ऐसा कोई बंधन नहीं उसी का सुर काट न सके। प्रतीत होता है कि इन विशाल सर्प जी की मृत्यु इनके ही विष से हुई है। मुझे इस अग्नि को बुझाने का कुछ उपाय करना चाहिए, अन्यथा यहाँ के जीव जंतुओं को हानि होगी।
इस विशाल जलते हुए शरीर से किसी को भी हानि नहीं पहुंच सकती। अब इन सर्प जी का मृत शरीर कोई नहीं देख सकेगा। मृत्यु में तो विशाल से विशाल जीव को भी शांति से रहने का अधिकार है। अरे वहां कोई है क्या? इस बालक ने हमारे एक अग्रज का वध कर दिया। अभी जाकर सभी को बताता हूँ। वो रहा देवी का मंदिर। वहीं तप कर रही है सुवेनी। चोरी स्वभाव है मेरा। कोई और अवसर होता तो उठा ले जाता इस कन्या को। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है इसी देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के बाद ही मैं इससे विवाह करूं। प्रतीक्षा करूंगा मैं, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे तुम्हारे सम्मुख आना ही होगा सुवेनी। माता, बालक गजानन लौट आए हैं। तेरा पुत्र गजानन? प्रणाम पिताश्री। पुत्र? प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र गजानन, कुबेर देव अपना मार्ग भटक गए थे, तुमने उन्हें उचित मार्ग दिखाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। पुत्र गजानन, तुम थक गए हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। महादेव, महादेव सहायता कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, माता रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर, कैसे संकट का सामना कर रहे हैं आप? माता, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए हमें आश्रम के निकट वन में जाना पड़ता है, किंतु वहाँ कुछ मायावी सर्प घुस आए हैं, वो हमें वन में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। उन सर्पों ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है प्रभु, हमें उनसे छुटकारा दिलाइए। ऋषिवर आप चिंता मत कीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ और आपका इस संकट दूर करूंगा। पिताश्री रुकिए। मेरे होते हुए आप कष्ट क्यों करेंगे पिताश्री? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर इस समस्या का हल निकालता हूँ।
धन्य है, योग्य है आपके पुत्र महादेव। उसी पुत्र का होना सार्थक होता है जो अपने माता पिता का दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले ले। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हें विश्वास है ऐसा ही हुआ था? मैंने अपने नेत्रों से उस गजमुख बालक को देखा। उसने हमारे अग्रज सदस्य का अंत किया और उनका मृत शरीर वन में एक स्थान में गाड़ दिया। शत्रु, कोई शत्रु घुसाया हमारे वन में, उसको उचित पाठ पढ़ाएंगे हम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।